हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पीके क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2022 का मेंस के पेपर को लेकर, क्योंकि मेंस के पेपर की जो डेट है वो आपकी 26 से है। ज़्यादा समय है नहीं आपके पास, एक महीने से थोड़ा ही ज़्यादा समय है, तो आपको तैयारी कैसे करनी होगी। और सीजीएल पैटर्न पे एग्जाम होने वाला है, इसमें सीजीएल में बस कुछ ज़्यादा चीज थी और इसमें कुछ कम है, वो मैं आपको बता दूँ क्या डिफरेंस है एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के मेंस पेपर में। इसके अलावा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अटेम्प्ट कितने करने होंगे और मार्क्स कितने लाने होंगे, वो आपको बताऊंगा। नॉर्मलाइजेशन आपका यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले। तो वैकेंसी जो आपकी अभी टेंटेटिव है वो 4500 है, कैटेगरीज वाइज वैकेंसी नहीं आई है, मैंने आरटीआई यहाँ पर डाल दी है, ठीक है, आरटीआई मैंने लगा दी है। और मेंस स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको, इसका सेफ अटेम्प्ट आपको बताऊंगा मैं। और नोटिफिकेशन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, अगर वो पॉइंट्स आप मिस कर गए तो मैं मान के चलता हूं कि कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन आपको लिए मुश्किल पड़ जाए, क्योंकि आप उन चीजों को इग्नोर कर देंगे और फिर वो ही सिलेक्शन में आपका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। तो जैसे सीजीएल में गलती हुआ है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, यही गलती आपको यहाँ सीएचएसएल में भी नहीं करना। तो इस वीडियो को बड़ी केयरफुली आप वॉच करिए, अगर आप सिंसियर हो गए आप मेंस दे रहे हैं तो, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर टीयर टू का पैटर्न है, टीयर टू के पैटर्न को मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपके दो सेशन होंगे, दो सेशन में एक सेशन आपका 2 घंटे 15 मिनट का होगा और सेकंड सेशन जो आपका 25 मिनट का 30 मिनट के आसपास होगा, ठीक है। अब सेशन फर्स्ट में इसमें दो मॉड्यूल होंगे, दो मॉड्यूल के अंदर आपका पहला मैथ होगा, दूसरा आपका रीजनिंग होगा। इसमें 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 30 ही क्वेश्चन आपके किसके आएंगे, रीजनिंग के आएंगे। टोटल एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है, तो मतलब आपका टोटल जो अमाउंट टोटल स्कोर है वो है 180 का बनेगा फर्स्ट सेक्शन का, और इसमें आपको 1 आवर दिया जाएगा फॉर ईच सेक्शन। मतलब ये जो सेक्शन है यहाँ पे मैथ और रीजनिंग मिला के 1 आवर्स आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सेक्शन टू में आपको इंग्लिश मिलेगा, मॉड्यूल 2 मिलेगा यहाँ पे, जैसे जीए आपका आएगा जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चन जो है आपके 40 रहेंगे और जीएस के जो क्वेश्चन है वो आपके 20 रहेंगे। अब यही यहाँ पे डिफरेंस आप देख सकते हैं, यहाँ अभी जब हम लोगों का था तो 25 थे यहाँ पे और यहाँ पे हमारे 45 थे, ठीक है। तो क्वेश्चन का थोड़ा डिफरेंस है सीजीएल से, बस इतना ही है और बाकी कुछ नहीं है। टोटल नंबर जो है 180 का है, इसमें भी आपका सीधा सीधा लिखा है। और ये जो आपका पैर है इसको पढ़ लेना है, इसमें स्पेसिफिक किया गया है कि मैथमेटिक्स के लिए 30 मिनट्स मिलेंगे आपको, इसके लिए भी 30 मिनट्स, ऐसा कुछ यहाँ पर देख लेना, नोटिफिकेशन में आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। अब सेक्शन 2 की बात करूँ जिसमें कंप्यूटर होगा, 15 क्वेश्चन आपके आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 45 मिनट का होगा और इसके आपको 15 मिनट मिलेंगे, 20 मिनट आपको जो आपके हैंडीकैप है मतलब जो आपको विजुअली प्रॉब्लम है उनको 20 मिनट दिए जाएगा, ठीक है। सेशन 2 होता है, सेशन 2 में ये सेक्शन 3 के अंदर ही रखा गया क्योंकि ये सीपीटी पहले माना जाता था उसी के अंदर है। स्किल टेस्ट और मॉड्यूल टेस्ट, इसमें ध्यान रखिएगा डीओ के लिए पार्ट ए होगा जिसमें आपको 15 मिनट 2000 के डिप्रेशन आपको करने होंगे, 2000 के डिप्रेशन आपको चाहिए होगा, ठीक है। और वहीं आपका स्किल जेएसए और एलडीसी के लिए आपको 1750 चाहिए होंगे, वो भी 10 मिनट के अंदर, मतलब यहाँ आपको 35 की स्पीड चाहिए और यहाँ आपको 27 की स्पीड चाहिए, ठीक है। तो ये आपका स्पीड रहेगा आपका डीओ के लिए और एलडीसी के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका 10 मिनट्स के अंदर होगा और ये आपका 15 मिनट्स के अंदर होगा, इसमें 200 के डिप्रेशन होंगे, इसमें 1750 के डिप्रेशन होंगे, ठीक है। तो ये आपका टीयर 2 का पैटर्न है। अब आपको इसको समझना है कि आपको तैयारी कैसे करनी है, किस सेक्शन में कितना स्कोर आपको करना चाहिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं, उससे पहले कुछ हम आपको ये नोटिफिकेशन है आपका एसएससी के ने जो डाला था उसी नोटिफिकेशन को मैं लेके आपको कुछ बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा बात का है, पहले यहाँ से देखिए यहाँ पे ये सेक्शन जो देख रखते हैं इसको आप जो मैंने आपको बताया जो अभी आपको बताया मैंने बेसिकली वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ये वाली लाइन जो है आप ध्यान से पढ़िएगा, इसमें आपको समझ में लिखा है इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल सेक्शन। उन्होंने कहा ये जैसे एक सेक्शन है, इस सेक्शन को मैथ और इंग्लिश में आपको मैथ और रीजनिंग में आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य है। जो परसेंटेज उन्होंने दे रखा है 30% 40% जो परसेंटेज दे रखा है उसमें आपको क्वालिफाई करना आवश्यक है। अगर आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं इसमें आपके बहुत अच्छे नंबर आते हैं फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का, ये यहाँ पे बहुत क्रूशियल चीज है, अगर ये आपने नहीं समझी तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन बहुत दिक्कत में आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि हर सेक्शन में आपको पास होना इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी, ये तो है ही आपको कंप्यूटर से, इसमें भी आपको पास होना ही पड़ेगा, ठीक है। ये टीयर 2 भी ऑब्जेक्टिव टाइप बोला है यहाँ पर, ये यहाँ पे लिखा है
देखो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 मार्क फॉर ईच 1 क्वेश्चन, मतलब सीधा है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी 1/3 है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी की 1/3 की, यहाँ पे 9 ये आपका सब पैरा में दे रखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये लिखा है मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग नेचर, मतलब ये मैंडेटरी है आपको लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसे क्वालिफाई आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको कि आपको हर सेक्शन में आपको क्वालिफाई होना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ये पीछे वाले बताते हैं। दूसरा आपको यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान रखिए, ये देखिए आप देयरफॉर कैंडिडेट्स मस्ट बी केयरफुल ऑफ सच ऑप्शन, कैसे ऑप्शन देखिए आप, कैंडिडेट्स हु डू नॉट सबमिट देयर पोस्ट प्रेफरेंस ऑन वेबसाइट, ये बात तब की है जब आपका फाइनल रिजल्ट बन रहा होगा, उससे पहले आपसे फाइनल रिजल्ट से पहले आपसे क्या किया जाएगा, आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगा जाएगा, क्या मांगा जाएगा, पोस्ट प्रेफरेंस। अगर जो पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरेगा, जो पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरेगा उसको फाइनल सिलेक्शन के लिए भी कोई मौका नहीं मिलेगा, मतलब उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा अगर कोई पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरेगा। अगर पोस्ट प्रेफरेंस नहीं देता है कोई तो उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, ये आपको समझ आ गई। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टीयर 1 जो है वो क्वालिफाई नेचर है और टीयर 2 के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। तो यहाँ पे ये 18.10 में साफ साफ लिखा है मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली, ठीक है, केवल टीयर 2 का जो एग्जाम होगा हुआ होगा आपका उसी से आपकी कट ऑफ आपकी यहाँ पे बनेगी, मतलब आपकी जो मेरिट लिस्ट होगी वो आपकी टीयर 2 बिहाफ पर होगी, उसी पर आपका रिजल्ट आएगा फाइनल। यानी कि सेंस ये है कि आपका 360 में आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन क्योंकि कंप्यूटर जो है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर है तो उसके नंबर ऐड नहीं हो गए, ठीक है, ये चीज यहाँ पे समझ में आ गई, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये जो प्रेफरेंस के लिखा है रिक्वायर टू बी एक्सरसाइज प्रेफरेंस पोस्ट एवरी केयरफुली, मतलब इसको आप केयरफुली करना जब फाइनल आप सबमिट कर रहे हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं कुछ अपनी तरफ से बताता हूँ, ये तो नोटिफिकेशन का बात हो गया, तो अब मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। अभी क्या हुआ, SSC CGL का रिजल्ट आया, SSC CGL 2022 का रिजल्ट आया, तो आपने देखा होगा क्या हो गया, शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा, सॉरी शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन में भी आपका केस वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा, आपका जैसे मान लो सेक्शन फर्स्ट है, इसमें इंग्लिश है, सॉरी सेकंड है, इंग्लिश और जीए है, इन दोनों को मिला के नॉर्मलाइजेशन कर दिया, ठीक है। अब जैसे मैथ है और आपका रीजनिंग है, इन दोनों को मिला के नॉर्मलाइजेशन कर दिया, मतलब अलग अलग कर दिया और फिर एड करके सम दे दिया मान लो, तो मतलब यहाँ पे आप याद रखिएगा जो आपका मॉड्यूल के हिसाब से भी नॉर्मलाइजेशन होगा, तो इस चीज के लिए तैयार रहिएगा, क्वालिफाई आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कुछ चीजें और बताते हैं आपको। अब जो आपकी कट ऑफ लगेगी वो 360 में से लगेगी, आपको पता होनी सेक्शन फर्स्ट से आपको 180 मार्क्स, सेक्शन सेकंड से आपको 180 मार्क्स, टोटल हो जाते हैं 360। अब 360 में ही आपका सिलेक्शन होगा। इस बार मैंने देख लिया क्योंकि CGL के में जो एक्सटेंडेड कट ऑफ बताई थी वो किसी का सही नहीं गया, क्योंकि रीजन उसका रहा कि नॉर्मलाइजेशन अनएक्सपेक्टेड था, ये नहीं समझ पाया, सोचा गया था कि आई ये मॉड्यूल वाइज आपका नॉर्मलाइजेशन कर देंगे, तो ये रीजन रहा आपकी कट ऑफ यहाँ CGL की हाइक होने का, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम चीजें यहाँ पर लागू होंगी, नॉर्मलाइजेशन का मैंने सिनेरियो ना लेते हुए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक ही डेट में आपका एग्जाम हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है 1 डेट में एग्जाम आपका होना चाहिए, जिससे क्या होगा एग्जाम होगा आपका, तो जिससे क्या होगा आपका नॉर्मलाइजेशन का सीन खत्म हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का अगर सीन खत्म होता है तो बहुत इजी हो जाता है, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अब हम आपको कुछ सेफ अटेम्प्ट बताते हैं और सेफ स्कोर बता देता हूँ, अटेम्प्ट आप खुद देख लीजिएगा, मैं आपको कैटेगरीज में बता दूंगा। जैसे मैंने ये आपके सामने लिख रखा है, ये आपके सामने लिख रहा है, इसमें आप इसको देखिए, कन्फर्म मत मानिएगा, ठीक है। ये एक आइडिया देने के लिए है आपको, कि हाँ इस तक जा सकता है, ठीक है। ये जब ही क्लियर होगा जब आपकी कैटेगरीज वाइज वैकेंसी आ जाएगी, आपकी, ठीक है, तभी आपको ये डिसाइड होगा कि हाँ आपको कितना कितना चाहिए। लेकिन अभी आप तैयारी कर रहे हैं 1 महीने, तो आपको पता होना चाहिए कि इतने नंबर तो आपको लाने ही होंगे आपको मेंस में क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। देखिए आप सबसे पहले हम यूआर कैटेगरी की बात कर लेता हूँ। यूआर कैटेगरी की मैथ के लिए बात करूं, कम से कम इनको 80 स्कोर करना ही पड़ेगा आपको, 90 का है तो 80 स्कोर आपको करना ही करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। रीजनिंग की बात करूं तो आपको 75 से 80 के बीच में करना ही पड़ेगा,
ठीक है। इंग्लिश की बात करूं तो जनरल है तो आपको मान के जनरल है तो आपको 100 से लेके 105 के बीच में आपको अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। रीजन बताता हूं उसको, अगर आप इतने नहीं करेंगे तो आप सिलेक्शन से बिल्कुल प्योर बाहर हो जाएंगे। जीए की बात करूं तो देखो जीए में नंबर बहुत कम आते हैं, इसलिए मैंने आपका 50% लेके चल रहा हूं। अगर इतने भी नंबर आपका लेते हैं 20 से 30 के बीच में तो आपके चांस बनेंगे जीएस में। और कंप्यूटर में आपको क्वालिफाई चाहिए तो मैं मान के चल रहा हूं 45 का, तो आपके कम से कम 25 मार्क्स आने प्लस मार्क्स आने ही चाहिए सिलेक्शन पाने के लिए। ज्यादा ही लेके चलना 30, क्योंकि 27 गई थी तो मैं मान के चलो ज्यादा ही लेके आना, 25 तो मिनिमम होने ही चाहिए आपके, मिनिमम है ये। मैक्सिमम आप थोड़ा सा इसमें प्लस दो और कर सकते हैं, इतना रख सकते हैं। अब जो टोटल आपके लिए बहुत स्कोर बन रहा है वो लगभग 285 के आसपास बन रहा है, तो 285 तक आपका स्कोर होना चाहिए, ये रो स्कोर होना चाहिए आपका, रो स्कोर आपका होना ही होना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा, इतना स्कोर आपका रो होना चाहिए, ठीक है। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो आपका रो स्कोर इतना होना चाहिए तो आपको सिलेक्शन 100% मिलेगा, कोई नहीं रोक पाएगा आपका सिलेक्शन, ठीक है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी को यहाँ पे मैथ की अगर बात करूं तो आपको 75 से 80 के बीच में आपको भी लाना होगा, और यहाँ पे बात करूं तो 70 से 75 के बीच में लाना होगा। यहाँ बात करूं तो आप 100 तक ला सकते हैं, और यहाँ पे मैं सबके लिए सेम रखा है 30 तक रखा है, क्योंकि ये स्कोर जो है बहुत सेफ सिमिलर जाता है, क्योंकि ज्यादा स्कोर लोगों को नहीं आते, लेकिन इसी हिसाब से मैंने इसमें कंपटीशन मैंने ज्यादा कर दिया, इसमें कंपटीशन कम होता है इसलिए। और इनके लिए भी मैं कहूंगा 25 से नंबर ज्यादा ही लेके आना अगर आपको सिलेक्शन में पाना है। और इनका जो टोटल होगा वो मैं मान के चल रहा हूँ 270 के आसपास, 270 प्लस माइनस 3 रखिएगा, यहाँ तक इनका सिलेक्शन हो जाएगा 100%, ठीक है। एससी कैटेगरी ये 100% जब है जब आपकी कैटेगराइज नहीं, कैटेगरी वाइज वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी आ जाए तो मैं आपको और क्लियरिटी के साथ बता दूंगा। एससी की कैटेगरी की बात करूं यहाँ पे, एससी के लिए यहाँ पे अगर बात करूं 67 के आसपास आपके नंबर होने चाहिए, यहाँ पे 65 के आसपास आपके नंबर होने चाहिए, यहाँ 90 से 95 के बीच में आपके नंबर होने चाहिए, यहाँ आपके 20 से 25 के बीच में नंबर होने चाहिए, और यहाँ आपके 20 प्लस नंबर होने ही होने चाहिए। और टोटल ऑल ओवर अगर बात करूं तो आपके 245 के आसपास नंबर आपके होने चाहिए फाइनल सिलेक्शन पाने के लिए। ये याद रखिए कि रो स्कोर पे बेस पे बता रहा हूँ, ये आपका रो स्कोर के बेस पे यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मलाइज नहीं, एससी एसटी की बात करूँ तो यहाँ 60 से 65 के बीच आपके नंबर होने चाहिए, यहाँ भी आपके 60 के आसपास नंबर होने चाहिए, यहाँ बात करूँ तो 85 से 90 के बीच में नंबर होने चाहिए, और यहाँ मैं आपके लिए 20 से 25 रख रहा हूँ, और यहाँ भी आपके लिए मैं 20 प्लस रख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो आपके जो नंबर आपको चाहिए होंगे तो 230 के आसपास आपको नंबर चाहिए होंगे, इतने नंबर अगर आपके आते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बने रहेंगे। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर लेता हूँ, ईडब्ल्यूएस के लिए बात करूँ तो 79 आपके मैथ होने चाहिए, 75 से 80 के बीच में आपके इसके होने चाहिए, 100 के आसपास आपके इसमें होने चाहिए, और आपके 20 से 30 के बीच आपके इसमें होने चाहिए, और इसमें आपके 25 के प्लस होने चाहिए, ठीक है। टोटल आपका जो स्कोर बन रहा है 274 के आसपास आपका सिलेक्शन होगा, तो ध्यान रखिएगा। ये जो है ये आपका अटेम्प्ट मैंने बता दिया, सॉरी ये आपको मार्क्स बता दिए, ये बेटेली मार्क्स हैं याद रखिए, ठीक है, ये आपके मार्क्स हैं, मैंने यहाँ लिखना भूल गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका टोटल है, ये आपका टोटल है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपका टोटल है, और टोटल के से ही आप ध्यान रखिएगा आपका यहाँ पे डिसाइड होगा कि आप कौन सा लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका टोटल है, ये वाला स्कोर, ये वाला टोटल आपका टोटल स्कोर है जिसपे आपका सिलेक्शन होगा, ये आपका कैटेगरी आपका मॉड्यूल वाइज है, इसको आप मॉड्यूल देख लीजिए, ठीक है, ये आपका मॉड्यूल वाइज है ठीक है, ये सब आपके मॉड्यूल वाइज है, क्योंकि मॉड्यूल वन हो गया, ये सेकंड हो गया, ये सेक्शन टू का मॉड्यूल वन हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड सेक्शन का मॉड्यूल वन हो गया, तो ऐसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो वीडियो आपको है केवल एक नजरिया देने के लिए कि आप कितने नंबर रो इसको रख कर आपको तैयारी करनी चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है। तो आपको बहुत भली भांति ये चीज समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये अगर ये बेस आप लेके चलेंगे, सिलेक्शन को लेकर इतने नंबर आप लाने की कोशिश करें तो सिलेक्शन आपके चांसेस बनेंगे, क्योंकि वैकेंसी भी आपकी 4500 टेबल है, और इसके अलावा कॉम्पिटिशन का लेवल बहुत ज्यादा है, एक वैकेंसी पर 10 स्टूडेंट्स हैं, तो ध्यान रखो वैकेंसी